ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमतये नमः, ओम रम रामाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं मकर, कुंभ, मीन, शनि का साढ़े साथी, कर्क, ढैया, वृश्चिक, ढैया, तुला, पनौती। इस समय आपका अगर महादशा शनि का भी चल रहा हो या राहु का चल रहा हो, स्वाभाविक बात है जीवन उथल पुथल, जीवन में ढेर सारे समस्या, किसका धन हानि, प्राण पीड़ा, किसी का दरिद्र दोष, किसी का ऋण से मुक्ति नहीं है, कोई घर बेचना चाहता है, कोई गाड़ी बेचना चाहता है, रास्ता नहीं मिल रहा है और बेचने का कोशिश करते हैं नहीं बिकता, कोई और कहीं सोर्स से लोन ले लें, कोई बोलता है शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके थम से पैसा कमाएंगे, फम से चुका देंगे, कहां से चुकाओ, ग्रह अगर साथ ना दे तो। और जैसे कि कई बार बोला हूं, मकर के लिए एक ग्रांड पीरियड आने जा रहा है और पूरे 7 साल के अंदर और उससे पहले भी मकर के लिए जो ग्रह स्थिति अभी बना है, शायद अगला 10 साल तक नहीं मिले ऐसा स्थिति, तो इस समय मिला है तो उसका फायदा उठाओ। यही तो है एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार कि डिफेंस करो, मौका मिले ऑफेंस करो। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सही समय से पूजा नहीं कर पाते, कट जाता है, छूट जाता है, टाइम नहीं मिलता है, मैं कहता हूं भाई कंटिन्यू रखो और जब भी आपको ऐसा मौका मिल जाए तो बहुत सारा काम कर लोगे, लेकिन कंटिन्यू रखे रहोगे तभी होगा, छोड़ दिए हो तो नहीं होगा। जैसे मैं रेगुलर हवन करता हूँ, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा मूड बनता है कि 1000 आहुति तक हो जाता है, किसी किसी दिन मूड नहीं होता है तो 100 आहुति में भी ठप हो जाता है। तो जिंदगी का रास्ता ऐसा है, कभी मौका मिला 100 में चलाते हैं, कभी मौका मिला 40 भी नहीं चलता है, कभी मौका मिला रास्ता खराब है तो 10 में भी नहीं चलता है, रेंगते जाते हैं। कंटिन्यू समान तो ना कभी था ना है, ना पूजा पाठ में भी नहीं होता है, तो उसका चिंता छोड़िए। इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद यह है, कुछ लोगों का तो अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ लोग अभी भी पस्त हैं और वो पस्तता का जो पीड़ा है वो है कि बच्चे मेरा बात नहीं मानते, बेटी अपने मनमर्जी जिसको शादी नहीं करना चाहिए दूसरे जात के साथ शादी कर रही है, कुछ रास्ता है तो बताइए। ऋण बाधा इतना है कि छुपते छुपाते मोबाइल बंद करके घूमना पड़ता है और अपने को भी छुपाना पड़ता है। अब देखो रास्ता खराब आ गया, 4 में गाड़ी चल, घोड़घाट भूड़ भाड़ चलेगा, फिर आगे रास्ता आ जाएगा, फिर दौड़ाएंगे। तो ये बीवी बच्चे बात नहीं मानती है, बीवी बच्चे घर छोड़ के जाके मायके में, ससुराल में, पड़ोसी जहाँ कल 100 नमस्कार मिलता था आज 1 नमस्कार नहीं मिल रहा है, अब तक निकल नहीं पाए हैं, निकलेंगे या नहीं बताओ। ये कुछ लोगों के साथ है, उनके लिए ये वीडियो है। कुछ लोगों ऑलरेडी मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं टेलीग्राम कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि गुरुजी आप सही बोले थे, मेरे को 2 अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे को 3 नौकरी मिला, मेरे को बिजनेस में पैसा आ गया। एक महानुभाव बोला सर 50 लाख का मेरा जो ब्लॉक हो गया था पैसा मिल गया, उसके लिए स्पेशल पूजा कराए थे, 3 दिन का पूरा पूजा चला, 60-70 हज़ार का खर्चा बैठा, पंडित का दक्षिणा 30-40 हज़ार का बैठा, हो गया था उसको। तो ऐसे कुछ को समाधान है, किसको नहीं है, किसे नहीं है, वो कौन कुंडली है? मुख्यतः जिनके जन्म जातक में लग्न और राशि को शनि देख रहा है और अभी गोचर में शनि
जहां जहां देख रहा है। कौन? कुंभ में बैठ के शनि मेष लग्न मेष राशि को, सिंह लग्न सिंह राशि को, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। सिंह लग्न का हालत बहुत ज्यादा पस्त इसलिए था क्योंकि विगत साल भर से शनि और राहु का दृष्टि, राहु का पंचम नवम दृष्टि, शनि का समसप्तक दृष्टि सिंह के ऊपर आया, सिंह वालों का और 76, 75, 74 का कुंडली, मिथुन का शनि थे, वृष का शनि थे, शायद मिथुन का शनि तृतीय दृष्टि में सिंह को देखे, तो आजन्म लग्न के ऊपर शनि का दृष्टि, तो स्टॉक ऑफ शनि एनर्जी जाए, फिर कुंडली में भी वही हालत और गोचर में भी वही हालत, प्लस इस समय जिसके कुंडली में मीन का शनि या राहु या कुंभ का शनि राहु जिसके कुंडली में बैठे हैं और उसके ऊपर शनि राहु गोचर में आ गए हैं, उनको थोड़ा सा लेट लगेगा। नहीं, जो लोग रेमेडी करा रहे हैं उनको नहीं होगा, जो लोग थोड़ा सा ग्रह शांति वगैरह यज्ञ वगैरह पूजा जाप जप तप वगैरह कर रहे हैं, जो राइट रेमेडी क्लासिकल रेमेडी जो लोग कर रहे हैं, और बहा देना दहा देना गाड़ देना फेंक देना तंत्र मंत्र जंतर करना ऊपरी हवा काला जादू तांत्रिकों के पीछे दौड़ना, उनको रास्ता नहीं मिला। फोर्स में शनि नहीं मानते, राहु मान सकते हैं, शनि न्याय का देवता भाई, आत्म सुधार करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और जितना भी पाप ताप से कमाए थे भाई वो लेके जाएगा ही, कोई नहीं रोक सकता, भले आपको पता नहीं चलो हम क्या पाप किए थे गुरुजी, ये प्रश्न आप जानो और शनि जाने। नहीं, ये 7.5 के दौरान ऐसे बहुत से कुंडली हुए जो जिनका कुछ भी पैसा नहीं गया, बल्कि इस समय शादी हुआ, नौकरी हुआ, पैसा मिला, इलेक्शन में जीते, ऐसे भी केसेस हैं। हाँ, उनका किसी किसी का थोड़ा बहुत मान सम्मान कहानी किसी किसी फील्ड में अलग अलग फील्ड में लगा, लेकिन इतना गंभीर नहीं हुआ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि नेचुरल आपके दृष्टि में पाप नहीं है, शनि के दृष्टि में पाप है किए हो उसका, क्योंकि धन जब आया था सद्विनियोग नहीं किए, और अभी जो शनि दे रहे हैं जिनको जिनको भी मिल रहा है, बमबमा के मिल रहा है, मत बोलो छप्पर फाड़ के मिल रहा है, मेरे पास बहुत से केसेस है छप्पर फाड़ के मिल रहा है, अंदाज से ज्यादा पैसा आ रहा है, वो लोग अभी और यूट्यूब नहीं देख रहा है, वो पैसा छापने में लगे हैं, पैसा तो मिला लेकिन तुम्हारे जो कर्म कुंडली के लिए करना चाहिए नहीं किए हो, अगला ढैया में फिर ले जाएंगे, फिर रोते रहोगे, फिर पंडित जी कुंडली देखो। सोचो कि किसी का पैसा आया शेयर सट्टा लॉटरी जीवा करके, कुंडली कहता है कि पेड़ लगाना चाहिए, नहीं लगाया, कुंडली कहता है कि इसको गौ सेवा करना चाहिए, नहीं किया, कुंडली कहता है कि किसी आश्रम में नवम का शनि बैठा हुआ है, आश्रम का डेवलपमेंट नहीं किया, पंचम का शनि किसी शिव मंदिर में, किसी काली मंदिर में, किसी साधना पीठ में कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए, नहीं किया। सोचो द्वादश का शनि बैठा है हॉस्पिटल में अनाथाश्रम में देना, नहीं दिया, नहीं किया, अगला ढैया में फिर पनौती आ रहा है, 00 खाता एकदम बैठे रहना, फिर कुंडली दिखाते रहो, तो ये समझो कि मेरा कुंडली कौन से प्रायश्चित कर्म के लिए बना है, कौन सा मेरा विहितम्बा अभिहितम्बा कर्म है जिसको मैं कर लूंगा तो शनि मुझे और दंड नहीं देगा, और जो पैसा आया है वो भी ब्लैक मनी मेरा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो समझ गया है वो लोग आगे निकल गए, जो नहीं समझा है पीछे रह गए हैं, पैसा दबा के बैठे हैं, अभी तक नहीं देंगे, नहीं दे के जाएगा कहाँ शनि बैठा है लेने के लिए बाबू, जब तक नहीं निकलेगा तब तक नहीं छोड़ेगा, एक भी पाप का धन पड़ा हुआ है नहीं छोड़ने वाला। तो यहां क्या कहना चाहता हूं, ये कह रहा हूं कि देखो इस समय मेष लग्न मकर राशि, सिंह लग्न मकर राशि, वृश्चिक लग्न मकर राशि, इनका जिनका कंडीशन है, और इनका खाली इतना नहीं, इनके बार चार्ट में शनि इन जगहों को देखता रहना चाहिए। ऐसे ही कुंभ राशि का हिसाब कर लो, मीन राशि का भी हिसाब कर लो,
वृश्चिक और कर्क का भी हिसाब कर लो, आपका जो भी लग्न है उसको शनि देख रहा हो या जो भी राशि है उसको शनि देख रहा हो, गोचर का भी देख रहा हो और राहु और शनि के ऊपर गोचर का राहु शनि आ गया हो, आप लोग अभी भी रिस्क जोन में रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंस किए तो मार खाओगे, आपके लिए अभी भी राहत का विषय नहीं आया है। जो अभी केस बताया, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बीवी नहीं सुन रही है, नमस्कार नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, प्लानिंग नहीं मिल रहा है, आज एक फोन आया था, गुरुजी आपके कृपा से 50,000 खर्चा किए, 50 लाख तो पा गए, अब बताओ दूसरा रास्ता। मुंह में बेटा खून लग गया शेर का, बोला पंडित जी और ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, हाँ आप सुनते होगे तो बुरा नहीं मानना, मजाक में बोल रहा हूँ। हाँ भाई, एक का 10 लाख का हो गया, उसका भी वही 20-25 हज़ार खर्चा किया, पूजा पाठ कराया, उसका भी खुल गया 10 लाख का। ये उड़ीसा का केस है, 50 लाख वाला यूपी का केस है। ठीक है, तो ऐसे और भी केसेस हैं छोटे बड़े, सबका नाम लेना ठीक नहीं है, सबके साथ उतना मेरा क्लोज कनेक्शन नहीं है, इन लोगों के साथ थोड़ा क्लोज कनेक्शन है, मानते हैं, विश्वास करते हैं और उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बातचीत है, इसलिए उनका नाम ले ले रहा हूँ, मतलब उनका केस बता दे रहा हूँ, क्योंकि तो सुनेंगे पक्का, छोड़ते नहीं है, सुबह उठते ही बोलते हैं आपका सुनते हैं, रात को सोते सोते आपको सुनते हैं, तो हंसते रहोगे मेरा वीडियो अभी सुन के, अरे पंडित जी आप बोल दिए, नाम नहीं लिया, टेंशन मत हो, केस है, दूसरे को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, दूसरे को दूसरे समझेंगे सीखेंगे तभी जाके तो ये होगा। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, सबसे पहला अभी गीता यज्ञ आ रहा है, अभी तक नहीं किए ठीक है, चलो काली पूजा गया काली यज्ञ नहीं किए, दुर्गा पूजा गया नवरात्र नहीं किए नवरात्र यज्ञ नहीं किए, उपाष्टमी गए धनतेरस गया और ये गोवर्धन गया नहीं किए, ब्रजर काली गया नहीं किए, दंड काली गया नहीं किए, ठीक है माफ। लेकिन आने वाला समय में आ रहा है हमारे श्रीमद् भागवत गीता जयंती, बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, इस दिन ईमानदारी पूर्वक आपके पास जो भी स्टॉक बनी है गीता यज्ञ करा लेना। नहीं मैं तो आज से नहीं, मेरे को जब से हेतु आया तब से मेरे घर में देख रहा हूँ, मेरे बाप दादे पुरखे करते थे, मैं भी करता हूँ, पूरा गीता का पाठ होगा और उसमें जो प्रत्याहुति रहेगा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदम न मम, उस प्रत्याहुति आहुति प्रत्याहुति करके करना है, और उसी के साथ थोड़ा सा ग्रह शांति भी करा देना, सामूहिक भी करा सकते हो अगर आप लोग कोई गली मोहल्ले में रहते हो, एक आदमी का खर्चा का बात नहीं है तो आप लोग अपने लेवल पे जरूर करना है, लेकिन आपका प्रेजेंस थोड़ा जरूरी है, क्योंकि वहाँ का जो केमिकल फ्यूम है आपके बॉडी में जाएगा। मैं आपको झूठ बोल के ये बोल दूँ कि पैसा भेज दो तुम्हारे नाम में करूँगा, तेरा ग्रह सब खुल के तेरे को माथे में मुकुट लगा देंगे, नहीं होगा। उसमें मात्र 30% का फायदा मिलता है और बाद में मेरे को आप दोष दोगे कि आप तो गुरुजी हम पैसा भेज दिए थे, नहीं, फिर से कह रहा हूँ पैसा भेजने का जरूरत नहीं, नाम गोत्र भेज देना, अगर काम कल्याण हो जाए मन जो मर्जी दक्षिणा भेज देना, नहीं भेजोगे तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण मेरा धर्मादा में चला गया, लेकिन एडवांस पैसा लेके पाप कमाना नहीं चाहता हूँ, ऋणी होना नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, और संभव हो आपको वहाँ नहीं कर सकते हो आ जाना यहाँ करा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और नहीं जिनका एकदम नहीं बनता जैसे यूएसए वगैरह में है, आग लगाने से फायर वाले दौड़ाते हैं, उनका केस अलग है, मैं उनका रेयरेस्ट में लेता हूँ, रेयरेस्ट केस में जाता है तो ठीक है, उन बेचारों को वहाँ पंडित भी नहीं मिलते, पूजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, राहु के घर में रहते हैं, विदेश माने राहु, और इधर वाला है केतु है मुचमुंडो, ठीक है, तो वो लोग नहीं कर सकते, कोई से भी कई सारे हैं मित्र नहीं कर सकते, ठीक है उनके लिए अलग बात है, वो भी मैं उनको भी मना करता हूँ कि आप किसी और पंडित को दे के कराओ, ठीक है, तो ईमानदारी से कहता हूँ, इसमें कोई चालाकी ठगबाजी नहीं भाई, जो जिसमें आपको फ़ायदा मिले आपका कल्याण हो, यही तो मकसद है, ये सब बात इतना सरल ढंग से आपको समझाने के पीछे रहस्य यही है कि आप उभर जाओ, उभरोगे अच्छे समय आ जाएगा, ऑटोमेटिक मुझे याद करोगे, हाँ जब टेंशन था तो इसी को सुनते थे, कभी घूमते फिरते
कभी भूले बिसरे आ जाओगे तो एक किलो मीठा मिल जाएगा। पंडित लोगों को तो और किसी में नज़र नहीं है, मिठाई में नज़र होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये फैक्टर है। तो गीता जयंती में गीता यज्ञ करा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले इस समय समय के अनुसार, देखो जिस समय बोला था पीपल गज का परिक्रमा करो, अभी तो नहीं बोल रहा हूँ, और उस समय उस प्रकार का योग था, अभी वो योग नहीं आया है, अभी नहीं भी आएगा, आने वाला समय में आएगा तो आएगा। हाँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मेष लग्न हो, शनि के अगेंस्ट एरिया है, और अगर यू फील दैट स्टॉक सीवियर स्टॉक, तो जिस जगह में पीपल गच और बरगच एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, नहीं है तो मेरे पास से आ जाना, कल और एक बढ़िया जगह में देखा मैं, उसको क्या करोगे, ऐसे हग कर लोगे, पकड़ोगे तब तक जब तक आपको हल्का नहीं लगे, और 108 मंत्र का 108 परिक्रमा, छोटा वाला नहीं लेना, बड़ा लेना, दिया जला के मंत्र चलेगा वासुदेव का। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओनली दिस मंगल खेत्री मतलब मेष वृश्चिक, सूर्य खेत्री यानी सिंह, उनको बोल रहा हूँ। अगर ये लग्न हो, राशि कोई भी हो, मकर, कुंभ, मीन, कर्क, वृश्चिक, कोई भी हो, तो ये करने से क्या होगा? हाँ, साथ में इस समय आपको बहुत जरूरी है एक समी वृक्ष का जड़, हालांकि आपके लिए नहीं है, लेकिन ये परमानेंट नहीं लेना है, समी वृक्ष का जड़। क्यों? मंगल का पेड़ है, मंगल का नक्षत्र का पेड़ है, शनि को अच्छा काउंटर करता है। दूसरा क्या लोगे? अर्ख, अकवन। तीसरा धतुरा, इसका जड़ पुष्या कलेक्शन हो, रवि पुष्या हो, शनि पुष्या हो, दोनों में काम में आएगा। चांदी का ताबीज, ये अगर त्रिकोण मिले तो अच्छा है, त्रिकोण नहीं मिले तो राउंड शेप, नहीं मिले तो चकोर, और उसमें दो मंत्र लिखा हो, ह्रीम और क्रीम, ये दो अक्षर उसमें होना चाहिए, और माता रानी का यंत्र हो, इतना लगाया हुआ, ये स्पेशल इनके लिए, सबके लिए नहीं, ये उसके अंदर भरना है। और अगर संभव हो नवग्रह का कलेक्शन हो तो ग्रहण कलेक्शन, इस समय ग्रहण वालों के लिए काम में आ गया, जो लोग ग्रहण का कलेक्शन किए होंगे, नवग्रह का कलेक्शन किया होगा, उनके लिए इस समय नवग्रह कलेक्शन का लकड़ी हो तो उस ताबीज में भरना है। तीसरा चीज क्या भरोगे बता दे रहा हूं, अगर माँ काली का या शनि शांति यज्ञ स्पेशल, उसका भभूत उसके अंदर रखना है, राख। और ऐसे लोग उसको शनि यज्ञ करके, शनि का स्पेशल यज्ञ होता है नवग्रह के साथ, शनि का 1000 आटा होती होता है, और विधिज्ञों विधिवशात ऐसे पंडित से कराना, उसी में चार्ज करा देना है। और फिर जिसका 1-2 का शनि हो, कहीं से भी, चंद्र या कुंडली से या लग्न से या सूर्य से, 3 का तक, 1 वाला यहाँ, 2 वाला यहाँ, 3 वाला थोड़ा सा नीचे, 3-4-5 हाथ बाजूबंद धारण करो, बाकी जितना है, छठा वाला तो प्रॉब्लम नहीं है, 7-8 बाकी जितना है गले में ले सकते हो। तो इसका धारण करने से जिनको अभी और भी थोड़ा सा ज़्यादा समस्याएं हैं दूर हो सकते हैं। आपके मन में अभी तुरंत प्रश्न आएगा, इसको करने से कितना खर्चा बैठेगा? देखो, इसको करने का खर्चा आप लोग अगर पर्सनल लेवल पे करते हो, आज का सारा टैक्स वैक्स मिला के, जो भी सामान, पूजा सामग्री, तेल, घी, दिया, पंडित, करीब करीब 31,000 से नीचे नहीं लगेगा। और अगर सामूहिक लेवल पे करते हो तो पर हेड संभवतः 5,000-6,000-7,000-9,000, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क, ऐसे भाग पड़ेगा, उससे नीचे में नहीं होगा। उसको धारण करना इनके लिए बता दिया, पकड़ लो, बोलोगे उतना भी पैसा नहीं है गुरुजी, ठीक,
कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए बरगछ पिपल गछ एक साथ जहाँ हो 108 परिक्रमा के साथ हग कर लो, काम पक्का होगा, लिख लो एकदम, आचार्य संजय गारंटी देता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, लग्न के ऊपर जिनका शनि कुंडली में दृष्टि दे रहा हो या लग्न में शनि बैठा हुआ हो जिसके कुंडली में, ऐसे कंडीशन वालों को बहुत जरूरी है शुद्ध पवित्र जगह जहां जंगल के आसपास हो वहां पर मिट्टी खोदना गर्दन तक, जैसे भी लगा लो 1000 रुपया लगेगा, नहीं तो ऐसे फ्लैट खोदवा लो लेबर लगा के 200-300-500 रुपया में हो जाएगा। सो जाना, मिट्टी ढाप लेना, गर्दन बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं भर देना। तो लग्न के सैटर्निक एनर्जी को ये मिट्टी वाला स्नान, मिट्टी वाला कवर काम कर देगा, सैटर्निक एनर्जी को रिलीज आउट कर देगा। शनि माने लोहा, मिट्टी क्या करेगा, लोहा के पार्टिकल्स एनर्जी को मतलब डिकम्पोज कर देगा। तो ये हो सकता है एक बार लगे, हो सकता है 5 बार लगे, हो सकता है 7 बार लगे। हम लोग का शिविर में जो लोग आते हैं उनको यही सब कराते हैं, और वो गधे लोग बोलते हैं हमारा वीडियो मत बनाइए गुरुजी, तो नहीं बनाते हैं, नहीं तो बनाने से दिखा देता। जब बच्चे मना कर रहे हैं लोग, काहे दिखाएं, तो उनका मना है, तो खाली मैं अपना वीडियो बना डालते रहता हूँ। तो ये उनके स्पेशल उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका अभी तक शनि 7.5 में अच्छा टाइम नहीं आया है, या अभी तक दे आर इन प्रॉब्लम, अभी तक उनका आर्थिक स्थिति ठीक से नहीं सुधरा है, उनके लिए। नेक्स्ट, जिनका इस समय पैसा का कमी चल रहा है और हर प्रकार का जब तब पूजा पाठ किए लेकिन नहीं काम दे रहा है। देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई नियम निष्ठा काष्ठा के साथ रेगुलर अखंड अगर पाठ करे, चाहे वो अथर्वशीर्ष गणपति अथर्वशीर्ष से लेके माँ लक्ष्मी श्री सूक्तक से लेके कनकधारा स्तोत्र से लेके, इसमें वो शक्ति है कि आपके अंदर का जो लक्ष्मी एनर्जी है, यानी सैटर्निक एनर्जी लक्ष्मी एनर्जी को डैमेज करता है। तो बोलते हैं शनि 7.5 महादशा में लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती हैं, भाग नहीं जाती हैं, लक्ष्मी एनर्जी के ऊपर द एनर्जी ऑफ येलो एंड रेड बॉडी का एनर्जी जो आता है उसको ये क्या करता है, सैटर्निक एनर्जी इतना हाई रहता है कि उसको ऑब्जर्व कर देता है, और जिसका परिणाम आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शारीरिक रोग, बात, पैर में दर्द, घुटना में दर्द, पिटाई, खट्टी डकार, अम्लपीत, जलन, इस प्रकार के रूप में प्रकट होता है। ये सब सिम्टम्स हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, दांत का सड़ जाना, आँख का नहीं दिखाई देना, कम दिखाई देना, आँख में कान में दर्द देना, इस प्रकार के आते हैं कुछ सिम्टम्स अलग अलग शनि के पोजिशन लेके। तो ऐसे लोगों को इस समय हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है कि नहीं सबका हो रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं हमारा नहीं हो रहा है, हमें फिर से कुंडली दिखाना है, फिर गुरुजी इतना चार्ज करेंगे। नहीं, आपको कुंडली दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता, अभी भी कह रहा हूँ, उस समय भी बोला था अक्टूबर के बाद दिखाना, कितने लोग दिखा रहे हैं सबका ठीक होगा बोल के तो नहीं दिखा रहे ना, नहीं तो उस समय जो लाइन जो ट्रैफिक था पागल करके रख देंगे, हमारा 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 ठीक है, अभी अच्छा हो गया है इसलिए कम हो गया है, लेकिन ये मकर का ट्रैफिक कम है लेकिन बाकी ट्रैफिक बहुत हाई में है, मीन का ट्रैफिक टॉप में चल रहा है, कुंभ का ट्रैफिक टॉप में चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने शरीर के सैटर्निक एनर्जी को रिलीज डाउन करना, वो कोई भी पद्धति अपना सकते हो, हवन से, मिट्टी चिकित्सा से, छायादान से, शनि का सप्तदान अष्टदान से, और बाकी जो रेमेडी है हनुमान चालीसा सुंदराकांड का पाठ लेके चंडी पाठ चंडी यज्ञ इत्यादि से। तो ये प्रोसेसेस आम चीज है, लेकिन किस तरीके से करना है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके माध्यम से सभी 7.5 ढैया वालों को कहना चाहूँगा, पनौती वालों को कहना चाहूँगा, भाई आप जरूर बोलते हो गुरुजी हम ढेर पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, काम नहीं देता है। नहीं देता है तो उसके पीछे भी एक रहस्य है, कैसे स्टार्ट करना, कैसे चलाना, कैसे एंड करना, क्या विधान है, क्या पद्धति है, इन सबको अगर आप बढ़िया से नहीं सीखते हो
और मनमर्जी, वो यूट्यूब देखा बोला ये माला उठाओ वो माला उठाओ, ये मंत्र करो, हकीक में करो, लाल हकीक में करो, काला हकीक में करो, रुद्राक्ष में करो, लाल चंदन में करो, हल्दी का माला में करो, हवेना। तीसरा, जिस माला में कर रहे हो जाप वो प्रतिष्ठित है या नहीं, जो मंत्र या स्तोत्र पाठ कर रहे हो गुरु दीक्षित है या नहीं। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये बता दूं, गुरु दीक्षा मस्ट, बिना गुरु दीक्षा का हरेक प्रकार का पूजा पाठ मंत्र तंत्र जप का मूल्य कुछ भी नहीं होता है, कोई काम का नहीं। और बार बार बोला हूँ, अगुरा लोगों के घर में पानी तक पीने के लिए हमारे बाप दादा मना करते थे कि गुरु दीक्षित नहीं है। अच्छा, कुछ लोग फ़ोन किए मेरे को, आप गुरु दीक्षा दे सकते हैं क्या? नहीं बाबू, मैं नहीं देता। हाँ, मेरे गुरु लोग हैं, अलग अलग लाइन के गुरु हैं, कोई चंड, कोई दैव शाक्त है, कोई शैव है, कोई काली वाला है, कोई वैष्णव है, कोई अपने ये जो शून्य ब्रह्म वाले हैं, और हमारे मालिका वाले हैं। मालिका वाले तो दीक्षा नहीं देते, वो लोग, उनके पास शिष्य अपने आप पहुँचते हैं। बाकी लोगों के पास आप लोगों को मैं दीक्षा के लिए बात करा दूंगा, जिनको जो चाहिए मंत्र दीक्षा मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि चेला बनाएंगे कान फूकवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपके कल्याण के लिए ले सकते हैं। चौथा बिंदु ये है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात अब तक मैं YouTube में नहीं बोला, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, वो क्या है? खेल है रिदिम, जब तो करते हो लेकिन रिदिम नहीं है, ताल नहीं है, बेताल, सुर में नहीं, असुर। तो असुर और बेताल को क्या मिलने वाला है? अरे शनि तो इसीलिए दंड दे रहा है ना कि थे बेताल, जिंदगी ताल में नहीं था, जिंदगी सुर में नहीं था। शनि साढ़े साथी में तो सबसे ज्यादा उन्हीं को ठोकाई मिला ना, असुर लोगों को मिला, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ माफ करना, आपको नहीं बोल रहा हूँ। कितना सुंदर संध्या हो गया, मज़ा एकदम सुंदर है, जंगली जंगल एकदम बढ़िया, अच्छा जगह है, कोई गाड़ी ट्रैफिक नहीं, एकदम मस्त रास्ता है, जंगली जंगल चल रहे हैं। तो क्या बताया, असुर जिसका सुर नहीं है, बेसुरा है, ताल, बोले इसको कैसे लाएंगे गुरुजी? ये तो हम लोगों का शिविर में आते हैं तो यही करते हैं, गलाते हैं, गाना गवाते हैं, बजवाते हैं, नचवाते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत सुर ताल आ जाए। सुर ताल में डालना पड़ता है, ट्यून नहीं होगा अच्छा कैसे बजेगा यार? सोचो, एक बात बताओ, क्लासिकल कभी देखे वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह, हमारे परम पूज्य भीमसेन जी और नुसरत फतेह अली साहब जी और जितने सारे बड़े, किसका नाम लो, कृष्णा, बैजू, इनका जितना अगर सुनोगे, इनका शुरू होता है ना फास्ट गियर में, ये टिंग टिंग टिंग, ड्रम ड्रम ड्रम, टिंग 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 टिंग, सेटिंग करने में ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, सुर में लाना, ताल में लाना, स्केल में लाना, जानते हो 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाता है। हमारे ब्राह्मणी नदी है तो, लेकिन उसके बाद शुरू होता है तो चला एकदम मस्त। धान कटाई शुरू हो गया इधर, तो असुर और बेताल से निवृत्त होना, ताल में और सुर में और ट्यून में आना, फिर जिंदगी अच्छा चलेगा। ऐसे ही पूजा पाठ में भी, ये पंडित, कोई पंडित पूजा करने आया है ना, घंटी पकड़ा दो, टिंग 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 टिंग, वो जो साउंड रिजोनेंस वाइब्रेशन बनाता है, अगर मंत्र के साथ सही चल रहा हो, कभी देखना रुद्राभिषेक होता रहेगा तो घंटी बजते बजेगा, पंडित एक हाथ में घंटी बजा रहा है, एक हाथ में अपना अर्चन कर रहा है, मंत्र मुंह में चला रहा है, ध्यान उधर लगाया है, कितना ट्यून करता होगा बताओ। तो अनट्यून्ड प्रैक्टिस आपको, वो मांत्रिक शक्ति को फोकस कर नहीं पाता है उस जगह में, आपको रिजल्ट निकालने के लिए, हिट करने के लिए, फायर करने के लिए। लेकिन ट्यून्ड मंत्र है,
सुर वाला मंत्र है, ताल वाला मंत्र है। मैं इसका नहीं कह रहा हूँ कि म्यूजिक बजा के एकदम से ई सी मेजर में करोगे, डी माइनर में करोगे, नहीं वो वाला नहीं। आपके वो अंदर का जो जाप का रिदम और मंत्र का रिदम और साधना का रिदम जैसे जैसे स्मूथ होने लगेगा, जैसे जैसे फ्लो अच्छा होगा, जैसे पानी डाला और फ्लो हो गया। यही चीज़ कराटे में भी बोलते हैं, अगर रिदम है आपके पास ओपोनेंट को हरा दोगे, नहीं है हार जाओगे, जो हारा वो बंदर, जो जीता वो सिकंदर। हर जगह में ट्यून रिदम का आवश्यकता रहता है, नहीं है लाइफ फेलियर है। और इसीलिए आपके मंत्र तंत्र पूजा पाठ जब तब काम नहीं आता, क्योंकि आप उसको जिस ट्यून में जिस रिदम में लेके जालना चाहिए नहीं लेते हो। जैसे हम बात भी कर रहे हैं ना, इसमें भी ट्यून है ना, अगर ट्यून नहीं होता, जैसे अभी हम कुछ बोलने वाले होते, हा हू का कुछ समझ में आ रहा है नहीं, क्यों? लेकिन इसको एकदम राइट ट्यून राइट सही से कहेंगे तब लोग क्या बोलेंगे, गुरु जी आपको नहीं सुनते हैं तो नींद नहीं होता, आपको सुबह उठते ही सुनते हैं, रात को सोते सोते आप ही को सुनते हैं, जब दुखी होते हैं तो आप ही का वीडियो लगा के सुनते रहते हैं, क्या है उसमें? वही चीज है। और इसका साधना होना बड़ा जरूरी है, तब आपके जिंदगी में समाधान निकलेगा। शनि आया द्वादश में, चंद्रमा में आगे बढ़ा, क्या किया? आपको ट्यून में डालने का कोशिश कर रहा है, आपका नाश बदनाश बर्बाद करने के लिए नहीं, उस ट्यून में डालने के प्रोसेस में आपको कष्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे, जो रेमेडी बताया हूँ, कर पाओ नहीं कर पाओ समझ लो एक बार, और समझ में आ जाए तो बढ़िया। नेक्स्ट कौन लोग फेलियोर? जो लोग हड़बड़ू गड़बड़ू वो फेलियोर, बैठना पड़ेगा गड़ना पड़ेगा, और हड़बड़ा हड़बड़ा के ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर देंगे, वो यूट्यूब में ये बोला, ये यूट्यूब में बोला, वो गुरुजी ऐसा बोला, गया काम से। फिक्स रखो। अब देखो इस बार काली पूजा में हमारे बच्चे जो लोग आए थे बाहर से, बोले हम लोग क्रिंग कालिकाय वाला करेंगे, इसी मंत्र में है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा हाई फाई में मत जाओ, जो सिंपल है उसमें करो। रिजल्ट मिला, दे फील दैट दे गिव द आंसर राइट वे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारा पूजा पाठ करना, कम करो, रिदम में करो, ताल में करो, और ये तभी होगा जब किसी गुरु के श्री चरण में बैठ के रह के सीख के करोगे। तो ऐसे मनमर्जी तो बोलते हैं बिच्छू मंत्र नहीं जानता है, सांप के बिल में हाथ घुसाया, काटेगा फिर दर्द देगा। इस बिंदु के साथ आशा करता हूं मेरा बात आप समझे होंगे। फिर से एक बार 28 के खत्म होके 29 के नए सब्सक्राइबर मित्र बंधुओं को नमस्कार के साथ, धन्यवाद के साथ, कृतज्ञता के साथ आमंत्रण करता हूं, नमन करता हूं कि आप इस विश्वास और भरोसा के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। भगवान आपका कल्याण करे, माता रानी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, आपके जीवन में रेड कारपेट बिछे, आपके चलापथ में पुष्पवृष्टि हो, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख दर्द कष्ट पीड़ा इत्यादि का विनाश हो, और आपके जीवन में जो भी कुछ पाप ताप जन्म जन्मांतर कृत पूर्व जन्मादि पाप इत्यादि का विनाश हो, इस जन्म में पुण्य बल को प्राप्त करें। और चिंता नहीं करना, आपके लिए कोई पंडित मेरे हर सब्सक्राइबर के लिए डेली कुछ ना कुछ पूजा पाठ यज्ञ हवन सूर्यार्घ्य इत्यादि करता है, और मेरे स्पेशल लवर्स के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं भक्ति करते हैं, मैं फील करता हूं उनके अश्रुओं को, मेरे प्रति उनके दिल का प्यार को आई फील, इसलिए तो उनके लिए स्पेशल प्रेयर करता हूं कि मेरे भक्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे चाहने वाले हैं, हो सकता है कभी भी मेरे से बात नहीं किया हो, क्योंकि मेरे से बात करना भी तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा परम भक्त है बहुत से हैं जिनको पर्सनल नाम भी जानता हूँ, हाँ तो नाम लेना नहीं चाहता हूँ, चलो किसी दिन बैठेंगे, नाम जिनका जिनका याद है मैं सबको बोलूँगा, जो लोग मेरे से पर्सनली
जिनका नाम मेरे मुंह में है, इतने सारे सब्सक्राइबर से कुछ स्पेशल उनका तो नाम है मेरे मुंह में, हालांकि वो लोग कुंडली में नहीं दिखाए हैं लेकिन है। तो उन सब के लिए स्पेशल प्रेयर, स्पेशल प्रार्थना, स्पेशल यज्ञ होता है, करता हूँ। तो बाप, इस शब्दों के साथ विषय को यहाँ समापन। धन्यवाद, नमस्कार।